लो। एक्सक्यूज मी, आप हरलीन हैं? हाँ हरलीन हूँ। मतलब तू हरलीन ही है? इसका मतलब ये मेरा ही घर है, मैं अपने ही घर में आया हूँ, राइट? तो मुझे ये बता के यहाँ हो क्या रहा है? हरमन जी, हाँ? आप ठीक तो हैं? आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? दिख नहीं रहा आपको पार्टी हो रही है? हाँ, पार्टी हो रही है, मुझे लगा सत्संग हो रहा है। अरे मुझे भी पता है पार्टी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? Why? ये सब क्या हो रहा है? Oh, I'll tell you. ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और यहाँ इनकी पार्टी हो रही है। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ओकेशन क्या है? करेक्ट, ओकेशन क्या है वो सब मैं बाद में समझाऊंगी। पहले ये बताओ, तुम लोग इतना लेट क्यों आए ऑफिस से? रात हो गई है और तुम इतना लेट क्यों आए विक्रांत? काम ही इतना था माँ, आरवी की शादी थी ना, ऑफिस में काम ही नहीं हो पा रहा था। अब आरवी तो अपने कामों में जुटा हुआ था, लेकिन हम सब तो उसकी शादी के कामों में लगे हुए थे ना। सुन लिया, लेट क्यों है? अब बताओ ना, क्यों हो रही है ये पार्टी? किस लिए पार्टी हो रही है पापा? सेलिब्रेशन टाइम। ये सब लड़कियों ने ठान रखा है क्या कि एक ही जवाब देना है? सेलिब्रेशन टाइम, पार्टी हो रही, हम देख सकते, लेकिन क्यों हो रही है और किस खुशी में हो रही है बताओ तो, प्लीज टेल अस। आरवी की शादी के लिए तो नहीं हो रही होगी? आई मीन आरवी की शादी के तो सारे काम पूरे हो गया ना डैड? ऑफ कोर्स। हां, एक काम अभी भी बाकी था जो आज फाइनली पूरा हो गया। ओ, मतलब शादी का वेन्यू, केटरिंग, डेकोरेशन, इन सब का हिसाब हो गया है ना? मैंने की पेमेंट, अरे मैंने करी थी शाम को, करी थी उसकी पेमेंट हो गई ना, बट क्या? और ये रेंट कार जो मंगाए तो उसकी पेमेंट हो गई? मैंने वो परसों कर दी थी। रेंट कार भी तो हो गई तो फिर क्या पेमेंट रहे? क्या बोल रहे हैं ये लोग? बात सुनेंगे पूरी? हाँ सुनना चाहते हैं पूरी। आरवी का पतला पूरा हो गया है, उसी खुशी में हो रही है पार्टी। ओ, खुशी ने जो तबाही मचाई थी, आरवी के दिल पे जो घाव दिया था, उस घाव का दर्द आज कुछ कम होगा। तो सेलिब्रेशन तो बनता है, यही तो चाहते थे ना हम सब, इसलिए हम सब ने आरवी का साथ दिया। बस अब मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उस दर्द से बाहर निकल आएगा। देखो उस लड़की को, सच में बहुत अच्छी लड़की है। जिन सब चीजों से वो गुजरी है, देखो ना किस तरह बिहेव कर रही है वो, कोई और शायद ही ऐसे। और अभी तो देखिए कितने अच्छे से सब कुछ संभाल के रखा है उसने, सच में बहुत प्यारी है वो। ये तुम्हारे लिए आरवी, यू डिजर्व दिस, वी ऑल डिजर्व दिस। ये पार्टी तुम्हारे लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। क्या हुआ आरवी, आर यू हैप्पी? तुम्हें तो स्माइल करते हुए अंदर आना चाहिए था। तुम आर यू फीलिंग गिल्टी? हाँ, कि तुम पूर्वी को ऐसे छोड़कर आ गए, या फिर खुशी अभी भी तुम्हारे माइंड पे? व्हाट इज रॉन्ग? पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रही। वो ऐसा कभी नहीं करती कि कुछ नहीं बताएगी, बैठी रहेगी दिन भर। जो चिंता हो रही है, मुझे पता है कोई बात है जो अंदर ही अंदर उसे सता रही है। नहीं क्या है, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। जब से आई है कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं निकली। रहने देते कुछ देर उससे वहां। मेरा मतलब है कि अभी वो यहाँ पर आई है तो शायद उसे कुछ वक्त अकेले बिताना होगा, तो रहने देते। हाँ पर कितना समय चाहिए? मतलब मुझे पता है ऐसे एकदम से नहीं पूछना चाहिए, इसलिए पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई होगी ना? वो बात करे तो पता चले। हो ना हो, कोई बात जरूर रहती थी।
और कोई दिल खुश कर देने वाली बात नहीं है मनप्रीत, ये तो इतनी देर ऐसे अंदर नहीं बैठी रहती पूर्वी। लेकिन अपने मन से कुछ भी कैसे सोच लें, पूर्वी बताएगी तभी तो पता चलेगा ना। क्या करूं, मैं जाकर देख कर आऊं, उसे बुला के ले आऊं? नहीं नहीं, अभी तू थोड़ी देर रुक। नहीं मैं जाती हूं, मैं बात करती हूं, मुझे तो बताएगी, मैं देखती हूं। पूर्वी, ये शाम हो गई, आज हम सब चाय नहीं पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे, ऑफ कोर्स पियेंगे, तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय अभी बना। राजीव रुक जा बेटा, चाय दो मिनट में बन जाएगी, पहले बात कर ले। हाँ दीदी। पूर्वी उधर बात क्या है? हाँ जब से आई है तू अंदर बैठी, ना हम में से किसी ने तुझसे कुछ पूछा, ना तूने हमें कुछ बताया, अब तो बता दे पुत्र क्या हुआ। बताना पूर्वी क्या हुआ है। पूरी पुत्र तो हमारी बच्ची है, तेरी माँ को तो पहली नजर में पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है, हम सबको भी लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है, तो बताना पुत्र। पूर्वी तू तो इस घर में है, अपने घर में, बोल बेटा क्या बात है। देख मुझे पता है कोई बात है, क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रही है, तू ऐसा कभी नहीं करती ना कि पूरा दिन ऐसे अकेले बैठी रही, कुछ बात नहीं करी, कुछ बता नहीं रही। और अब आरवी आया था ना तुझे ड्रॉप करने, तो घर क्यों नहीं आया, कोई कोई बात है क्या? देख तू अगर छुपाने की या कुछ ना बताने की कोशिश करी ना तो मत कर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा दिल कह रहा है कोई बात है जो तू तूने अंदर दबा के रखी है, जो तू बता नहीं रही है। देख देख हम तेरे अपने हैं ना, नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हमें तो तू कुछ भी बता सकती है ना, जैसे पहले बताती थी ना, सब कुछ बताती थी, बोलना हमें चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं। देख पुत्र अपने आप को ना अकेला ना समझी, हम सब तेरे साथ है, पहले भी थे आज भी है। हाँ देख हम सब मिल के तेरा साथ देंगे, पता तो पहले बात क्या है। अगर तुझसे कोई गलती हुई है या तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो गई है तो हम सब है ना, हम सब समझा लेंगे, हम कर देंगे सॉल्व, तू बता तो सही कि हुआ क्या है। पूरी पुत्र नई जगह है, नए लोग हैं, नए रिश्ते हैं, हो सकता है कुछ गलत फहमी हो गई हो, और कहना कुछ चाहता है, कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, तो पुत्र उसके लिए परिवार साथ में होता है, समझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। पूर्वी अंदर ही अंदर घुटने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है बता दे, अपनी माँ की हालत देख, जब से तू आई है मेरी पूर्वी बोलती जा रही है। देख बेटा सबको पता है कि आरवी को कोई काम था इसलिए वो अंदर नहीं आया, गलत बात है, बात कुछ और है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुम्हारा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, मोनिशा मेरी फियांसी थी, सगाई हुई थी हमारी और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी, पर नहीं हो पाई, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बीच में आ गई, बहुत अच्छी लड़की है वो और उसके साथ गलत कर दिया मैंने। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। बोल ना पुत्र। मैंने कहा ना हम तेरे साथ देंगे, आरवी और मैं हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था, और आप सबको सही लग रहा है वो रीजन नहीं था कि वो घर पर नहीं आया, एक्चुअली हमारा झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था है जी? पहले दिन में झगड़ लिया। झगड़ा क्यों हुआ बेटा, क्या वजह थी? पूर्वी वो अलग है,
उसकी चॉइस अलग है। उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए था, हम सबके बारे में सोचना चाहिए था। अरे दी, तू थोड़ा खुल के बताना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मतलब क्लियरली बताना कि उसने किया क्या। उसने वो शर्ट नहीं पहना जो हमने उसे दिया था। आई मीन हमने जो उसे गिफ्ट में शर्ट दी थी ना, वो उसने नहीं पहनी। मैंने भी वो ड्रेस नहीं पहनी जो वो चाहता था। तो रास्ते में मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा कि घर पर मत आना, क्योंकि मुझे लगा आप सब भी नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने उसे मना किया घर पे आने के लिए। ले, इतनी सी बात? अरे तूने तो डरा ही दिया हम सबको। और नहीं तो क्या दी, तू भी ना यार, मतलब पहले बता देती ना कि ऐसा हुआ। मासी की हालत देख, कितना टेंशन में है वो। पूरा वखेड़ा खड़ा कर दिया, सबकी हार्ट बीट बढ़ा दी घर पे। और की हम लोग तो सोचने लग गए थे पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, इतनी सी बात। चलो अब तो चिंता की कोई गल नहीं है। हाँ रब रखा। अब मैं थोड़ी देर रूम में जाऊँ, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। मैं हाँ पुत्र जा जा आराम कर। तो जा हम चाय अंदर भी जा आराम। उसने हर तकलीफ में मेरी मदद की, तो मैं उसको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हारी अगर कोई भी शिकायत है तो मुझसे, तुम उसको कुछ नहीं कहोगी। मैं कैसे हैंडल करूं तुम्हारी उस एक्स को, मेरी सौतन को? एक्स मत बोलो उसे, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। सिर्फ मैं ही वो एक लड़की हूं ना जिसका दिल तुम कभी नहीं दुखाना चाहोगे। मैं ही वो लड़की हूँ ना जिसका साथ तुम कभी नहीं छोड़ोगे, जिसके लिए तुम कुछ भी करोगे। सिर्फ मैं ही हूँ ना जिसे तुम ये हक दोगे कि वो तुम्हारे सपने देख सके। यार भी बताए कि सच सच क्या हुआ। नहीं देख, कोई फालतू की स्टोरी मत बनाना। भारतो ने सबको सच क्यों नहीं बताया? क्या हुआ पियो, बोलना। कैसे बताऊं, कैसे बोलूं सबको कि मुझे लग रहा है कि अब मैं शायद आरवी के घर वापस नहीं जाना चाहती। कैसे बोलूं कि मैं नहीं चाहती पगफेरा खत्म हो। देखा मैंने कैसे मैं आरवी को सपोर्ट कर रही थी मोहल्ले वालों के सामने, जबकि वो वहाँ था भी नहीं। मुझे डर लग रहा है कि मैं सबको सच कैसे बताऊं, कैसे बताऊं जो मुझे फील हो रहा है। पियो, पियो सुन मेरी बात, मैं तुम सब बहन, क्या हुआ बोलना, वहाँ क्या हुआ है? थी, थी मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि मुझे आरवी मिला, इतना अच्छा सच्चा, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने वाला। यहाँ भी सब खुश थे, माँ बहुत खुश थी। दीदी उन्हें ये लगा कि आरवी बहुत अच्छा इंसान है, स्पेशली उसका परिवार। उन्हें मुझे उतना ही प्यार देगा जितना प्यार मुझे यहाँ मिला, उतना माँ मिलेगा। लेकिन लेकिन क्या बोलो, क्या किया पियो उन लोगों ने? वो लोग अलग है, बहुत अलग है। वेलकम टू द मल्होत्रा मैंशन, शुभ प्रवेश। वो मेरी बहन खुशी दी प्रॉब्लम में थी, इसलिए हम कहा ना इन्होंने अंदर जाने के लिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दिखाओ तो क्या मिला है तुम्हें। इसे मैं रख लेती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतन।
आरवी की दोस्त हो, आरवी की साली नहीं। आरवी को तो मैं इतना पसंद करती हूँ कि उसकी घर वाली बनना चाहती हूँ। सगाई हुई थी हमारी और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। आरवी की फैमिली जैसी दिखती है ना वैसी नहीं है। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्या किया उन लोगों ने? तुम मुझे बताना, किसी ने कुछ किया? तुझसे बदतमीजी की किसी ने? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मुझे वहां नहीं होना चाहिए था। पता नहीं, हर बार मुझे ऐसा फील हो रहा था। दी, माँ को कैसे बताऊं? बेचारी है वो, सब खुद पर ले लेगी। वो बहुत खुश थी, इसलिए बाहर इतना कुछ बोल रही थी। ये आंसू कुछ और बोल रहे। देख, मुझे बताना, मुझे नहीं बताएगी? क्या हुआ? कोई बात है? मैं आपको बताऊंगी तो आप बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा मुझे बिना बताए। मुझे तो बताना पड़ेगा। देख, अगर तू नहीं भी बताएगी ना, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तेरी जो तकलीफ है, घुटन है ना, मुझ तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए प्लीज मुझे बताना, कोई बात है तो बताना। कुछ नहीं, मैं मुझे आपके पास रहने दो, मुझे वहां नहीं जाना, कभी नहीं जाना। मुझे आपके पास रहना है, सबके साथ रहना है। मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। मैं समझ सकती हूँ, पर अगर ये बात है तो तू रो क्यों रही है? पागल, रो मत, मैं हूं ना यहाँ, मैं कहीं नहीं जा रही और तू भी यही है। इसके अलावा कोई और वजह तो नहीं है ना इन आंसुओं की? पक्का? हाँ, मुझे भी यही कह रही थी। सुन, चाय रखी है, पी लेना, अच्छा लगेगा। मुझे तुझे कुछ बताना आरवी के बारे में। आरवी के बारे में क्या हुआ प्राची? परेशान क्यों लग रही है? पूर्वी ने बोल तो दिया, बच्चे हैं, ये सब तो चलता रहेगा बेटा। बताया उसने, बोला, पर क्या तुझे लग रहा है उसने झूठ कहा? मुझे लग रहा है कि बात ये नहीं है जो वो बोल रही है, बात कुछ और है, कोई बड़ी बात है। डेफिनेटली उसके और आरवी के बीच ना कुछ तो हुआ है। बात तो कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात हुई होनी है। तुम लोग तो जानती हो ना अपनी पूर्वी को। हाँ, कितना नाजुक दिल है उसका, कितनी सेंसिटिव है। छोटी सी तू में ऐसे अंदर तक दिल दुखा लेती। हाँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई होनी है। बुआ जी, पूर्वी सेंसिटिव है, मान लिया, पर आरवी, उसका क्या? प्राची, आरवी बहुत समझदार है। वो समझदार है, जैसे उसका बर्ताव है, जैसे बात करता है, सोचता है, जैसे उसने हमारा साथ दिया है, पूर्वी का ध्यान रखा है, वो समझदार है। इसीलिए अगर जैसे बुआ जी कह रही है, छोटी सी तू मैं हुई है, तो वो इतना इमैच्योर नहीं है कि यहाँ तक आएगा पर घर नहीं आएगा। घर पर तो आना चाहिए था ना उसे। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि आरवी उन लोगों में से नहीं है जो छोटी सी अनबन को बड़ा बना दे या रिश्तों के ऊपर हावी होने दे। तुम दोनों जानती हो ना मर्दों को? हाँ,
मर्द कितने भी समझदार हो, हाँ होते तो मर्द ही है, अरे उनका ईगो मर्दानगी अहंकार कम बड़ा नहीं होता है, बाकी सब कुछ साइड में पड़ जाता है, समझ वमझ सब गया तेल ले ले। कभी कभी इन्हीं से बात पे झगड़ा कर लेते कि आज चाय इन्नी गर्म क्यों बनी, बाहर इन्नी गर्मी क्यों पड़ी है, कुछ बोल सकते हैं मर्दों का, हाँ आई समझ बात। अरे भाई इतना मत सोचो, कुछ होता तो बच्ची बता देती ना, जहाँ चिंगारी नहीं है वहाँ धुआं मत देखो। कभी कभी चिंगारी आग बन जाती है और हमें पता नहीं चलता, बस भगवान करे ऐसा ना हो। प्राची तू पूरी दुनिया को ज्ञान देती फिरती है कि अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, अब तुझे क्या हो गया, क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा सोच रही है तू? दीदी प्राची सही कह रही है, आखिर माँ का दिल है, सही सोच रही होगी, मुझे लग रहा है कुछ और बात है शायद। ओए चुप कर, बड़े बड़े डायलॉग मत मार। अरे भाई कुछ नहीं है, सब ठीक है। प्राची तू उल्टा पुल्टा सोचना बंद कर दे, हाँ ना तू खुद टेंशन ले और ना दूसरों को दे।